हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ माय ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस कॉल्ड बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। मैं हूं डॉक्टर शामला शाह और मेरे डिटेल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स हम 12th स्टैंडर्ड स्टेट टेक्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हैं। ये इसका 9th पार्ट है। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। ऑलराइट, जो स्टूडेंट्स अभी नए नए मुझे जुड़े हैं, लेट मी टेल यू कि बाकी के सारे पार्ट्स जो हैं आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ डोंट फॉरगेट, आपको चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ओके, बेल आइकॉन दबा दीजिए तो आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट्स क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं, मुझे बहुत स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। ओके, बाकी के स्टूडेंट्स को बता दूं, 9th से लेकर 12th तक सारे बोर्ड्स के लिए बायो की क्लासेस अवेलेबल हैं, इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप ट्यूशंस। ऑनलाइन जूम पे क्लासेस शुरू हो चुके हैं। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं चाहिए तो चैप्टर वाइज आवरली डाउट सॉल्विंग बहुत सारे मेरे पास अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट मी। नीट के स्टूडेंट्स ज़रूर फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। ओके, आपका डेफिनेटली, अगर आप सेकेंड टाइम दे रहे हैं या फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, आपका स्कोर का इंप्रूवमेंट हो या आपका कॉन्फिडेंस लो हो, डोंट वरी, मेरे पास ज्वाइन करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों इंप्रूव हो जाएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, लास्ट टाइम तक हमने देखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप सब लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ डू नॉट वेट कि एग्जामिनेशन के डेट्स कब डिक्लेयर होते हैं और क्या होता है, क्योंकि आगे जाके आपको एग्जामिनेशन तो देना ही है, एंट्रेंस एग्जाम आपको देना ही है, तो स्टडी करना शुरू कर दीजिए। प्लीज डू नॉट वेस्ट योर वैल्यूएबल टाइम। ओके, सो लेट्स लुक एट डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसका हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि फॉर्मेशन कैसा होता है, राइट। सेकेंडरी जो न्यूक्लियस है फीमेल का, वो सेकेंड मेल गैमिट के साथ फ्यूज होता है और आपको एक ट्रिप्लॉइड PEN देता है। अब ये जो ट्रिप्लॉइड PEN है, ये बार बार डिवाइड होने लगता है। सो देर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डिविजन, और ये डिविजन कैसे होता है, माइटोसिस के थ्रू, करेक्ट है। आई होप आपको माइटोसिस याद है, नहीं है तो लास्ट ईयर के वीडियोस फटाफट देख लीजिए। ऑलराइट, सो माइटोसिस के थ्रू ये डिवाइड होते हैं और इसमें बनता है न्यूट्रिटिव टिश्यूज, करेक्ट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला स्पेशलाइज टिश्यू जिसको कहते हैं एंडोस्पर्म, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, मतलब फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ओव्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, है ना, कौन सी नई चीज़ें बनती हैं, राइट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो, जो बेबी प्लांट बनने वाला है, करेक्ट, और एंडोस्पर्म, जो उस प्लांट को खाना प्रोवाइड करने वाला है, जो न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ये दोनों साथ साथ में डेवलप होते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जो दूसरे सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ओके, और ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गई एक बार, तो सेल डिवीजन हो जाता है बहुत सारा, एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक सेल डिवीजन होता रहेगा होता रहेगा, और इस सेल डिवीजन से क्या बनेगा, एंडोस्पर्म बनेगा, करेक्ट है। यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम्स आपको दिखाए हैं, राइट। इस डायग्राम में जो है वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडोस्पर्म कैसे बनता है ये बताया है। डायग्राम पे हम आते हैं, पहले ज़रा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। आप चाहे तो आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब तीन अलग अलग तरीके के एंडोस्पर्म्स बन सकते हैं बेस्ड ऑन कि डेवलपमेंट आखिर स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के एंडोस्पर्म्स कौन से हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियर टाइप, सेकेंड है सेल्युलर टाइप, थर्ड है हेलोबियल टाइप। सबसे कॉमन टाइप जो बनता है, करेक्ट है, वो है न्यूक्लियर टाइप। 161 या शायद उससे भी ज़्यादा एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पाया जाने वाला टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ओके, या एंडोस्पर्मिक डिवीजन, विच इज न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्मिक डिवीजन। अब इसमें होता क्या है, एक बार तो न्यूक्लियस बन गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस का मतलब आपको पता है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, 3N है, ये डिवाइड होना शुरू होता है, माइटोसिस बार 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 माइटोसिस 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 हो रहा है, लेकिन ओके ओनली न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन ओके वो नहीं हो रहा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। तो क्या होगा, एक ही बड़े सेल के अंदर बहुत सारे बस न्यूक्लियाई बनते जा रहे हैं, लॉट्स ऑफ फ्री न्यूक्लियाई इनसाइड वन बिग सेल, करेक्ट है। एक बहुत बड़ा सेंट्रल ओके वैक्यूल हो जाता है सेल के बीच में, जो सारे न्यूक्लियस को पुश करके साइड में फेंक देता है, समझ में आ रहा है। तो एक सेल जिसमें बहुत सारा डिवीजन हो गया
और ये किस तरीके के डिवीजन है, ओनली ओनली न्यूक्लियर डिवीजन, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है और बाकी कुछ भी नहीं। तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर बन गए, फिर उस सेल में सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल आ गया बलून के जैसे। तो जब वैक्यूल बढ़ गया तो वो क्या करेगा, सारे न्यूक्लियाई को साइड ऑफ द सेल में पुश कर देगा, पेरिफेरी मतलब साइड। बाद में ओके सारे इंडिविजुअल न्यूक्लियाई के बीच में सेल वॉल बनना शुरू होगा और उस टाइम पे मल्टी सेल्यूलर एंडोस्पर्म जो है वो बन जाता है। अब कभी कभी ओके सेल वॉल बनना चाहिए लेकिन वो पूरी तरह से बनता नहीं है, इनकम्प्लीट सेल वॉल बनती है, और ऐसे सीड्स को हम खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट, सनफ्लावर, कोकोनट, करेक्ट है। अब नारियल जो है, नारियल की मलाई और नारियल का पानी दो अलग अलग चीजें हैं ना, जो हम खाते हैं पीते हैं एंजॉय करते हैं। तो एक्चुअली वो जो नारियल की मलाई है ना, मलाई उसमें वो जो वो एंडोस्पर्म है, मलाई भी एंडोस्पर्म है और पानी भी एंडोस्पर्म वाला टिश्यू है, करेक्ट। आपको पता था ये, नहीं पता था ना, बहुत मजेदार बात है कि नारियल का मलाई और नारियल का पानी दोनों एंडोस्पर्म टिश्यू है, मतलब उसमें 3 सेट क्रोमोसोम के होते हैं, करेक्ट। अब मलाई और पानी में फर्क क्या, पानी धीरे धीरे मलाई में कन्वर्ट होता है ना, आप जितनी देर तक नारियल को रखेंगे उतना पानी कम और मलाई ज्यादा होते रहेगा। मतलब क्या, पानी जो है ना उसमें सिर्फ न्यूक्लियस बनी है, याद है हमने कहा था कि ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होते रहता है, बहुत सारे न्यूक्लियर बनते हैं एक ही बड़े सेल में। तो सेल वॉल नहीं होने के वजह से नारियल का जो पानी है वो लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है और वो न्यूक्लियर है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है लेकिन सेल वॉल बनी नहीं है। अब जब आप उसको रखते रहेंगे तो हर न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक सेल्युलोसिक वॉल बनता है और वो थिक हो जाता है और उसका बनता है मलाई। तो मलाई जो है वो मल्टी सेल्युलर एंडोस्पर्म है, पानी जो है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, करेक्ट है। उसको हम वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म भी कहते हैं पानी को, समझ में आया। ओके तो ये हो गया न्यूक्लियर टाइप। अब चाहे तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ओके तो ये है न्यूक्लियर। सब देखिए क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियो है, ठीक है, और ये पार्ट जो है ये एंडोस्पर्म है। अब कैन यू सी सेंटर में इतना बड़ा वैक्यूल व्हाइट कलर का, और ये जो है ये छोटे छोटे सारे न्यूक्लियाई बनते जा रहे हैं लेकिन सेल वॉल नहीं है आजू बाजू में, सिर्फ एक बड़ा सा सेल है जिसमें एम्ब्रियो का सेल है और बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं। अब ये हो गया नारियल का पानी, करेक्ट है। अगर नारियल का एग्जाम्पल लेना है तो पानी जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। अब थोड़े टाइम के बाद जब आप इसको रखेंगे तो हर न्यूक्लियस के आजू बाजू में एक सेल वॉल बनेगा। क्या आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर का बॉर्डर, सेल वॉल बन गया। अब वॉल आपको पता है सेल्यूलोस से बनता है तो वो थोड़ा कड़क हो जाएगा, तो यहाँ पे पानी का बन गया मलाई। सो मलाई थोड़ी सी थिक रहती है ना, आप हाथ में पकड़ सकते हैं, इट्स अ हार्डर पार्ट। तो ये हो गया सेल्यूलर एंडोस्पर्म और ये हो गया न्यूक्लियर या वैक्यूलेटेड एंडोस्पर्म, समझ में आया। तो दिस टाइप इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, करेक्ट है। एंड ऑफ कोर्स नारियल के अंदर उसका एम्ब्रियो होता है। तो आप में से अगर किसी ने ट्राई किया है कि नारियल को आप किसी गीले कपड़े में रैप करके कलश के ऊपर या पानी के ऊपर अगर रख देंगे तो जब भी उसको पानी मिलता रहेगा ऊपर से जो है प्लांट डेवलप होता है। तो ऑब्वियसली नारियल जो है वो एक सीड है, बीज है, कोकोनट है ना, इट्स अ सीड। तो उसके अंदर यू हैव द जाइगोट ऑल्सो, और अगर उसको बराबर से सब मतलब न्यूट्रिशन वगैरह मिल गया तो उसमें से झाड़ जो है वो निकलता है, करेक्ट है। इज इट क्लियर? ओके ग्रेट। अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म पे, जिसको हम कहते हैं सेल्यूलर। कुछ कुछ प्लांट्स में है ना डिवीजन जो होती है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस की, वो इमीडिएटली वॉल फॉर्मेशन उसके साथ साथ में हो जाता है। तो पहले न्यूक्लियस मतलब कैरियोकाइनेसिस भी होता है, साइटोकाइनेसिस भी होता है, वॉल इमीडिएटली बन जाता है। तो बिगिनिंग से ही एंडोस्पर्म में सेल्स दिखाई देते हैं, तो इसमें वॉटरी एंडोस्पर्म नहीं बनता, डायरेक्ट सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म बनता है। ओके 72 अलग अलग फैमिलीज डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में इस तरीके का एंडोस्पर्म बनता है, करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल बैल्सम प्लांट, पेट्यूनिया, एडोक्सा,
ओके, ये सब जो मेंबर्स हैं इनके अंदर सब में किस तरीके का सेल्यूलर टाइप का एंडोस्पर्म बनता है, इज दैट क्लियर? करेक्ट। एंड फाइनली यू हैव द हेलोबियल टाइप। हेलोबियल जो है ये सिर्फ एक ही ऑर्डर ऑफ प्लांट्स में होता है, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स विच इज कॉल्ड द हेलोबायल्स। करेक्ट। इसमें पहला डिविजन जो होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, इसके बाद एक वॉल बनता है ट्रांसवर्स जो सेल को दो अनइक्वल हिस्सों में बांटता है। जो छोटा सेल है उसको कहते हैं चलाजल सेल, जो बड़ा सेल है उसको कहते हैं माइक्रोपाइलर सेल। प्लीज याद रखें ये सिर्फ हेलोबियल्स ऑर्डर में होता है, ये और किसी प्लांट में नहीं होता। ओके। बाद में ये दोनों सेल्स के अंदर के न्यूक्लिये फ्री डिविजन से डिवाइड होते हैं, मतलब इनमें वॉल नहीं बनेगी। तो पहले पानी जैसा एंडोस्पर्म बनेगा दोनों सेल्स में, उसके बाद वॉल डेवलप होगा न्यूक्लिया के बीच में सिर्फ माइक्रोपाइलर चेंबर में। तो इसमें आपने क्या देखा, एक चेंबर में सेल्यूलर एंडोस्पर्म बनेगा, दूसरे चेंबर में ओके न्यूक्लियर या पानी वाला एंडोस्पर्म बनेगा। मतलब ये इन बिटवीन टाइप का एंडोस्पर्म है, न्यूक्लियर और सेल्यूलर के बीच का टाइप। ओके। फॉर एग्जाम्पल एस्फोडेलस, ठीक है, मोजेक टाइप का जो एंडोस्पर्म है ये स्पेशल एंडोस्पर्म है जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के या दो टिश्यूज के एंडोस्पर्म्स होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मकई है ना, एंडोस्पर्म में पैचेस होते हैं दो अलग अलग कलर्स के, ये कभी कभी लोकल मकई में आपको दिखाई देता है और ये एक बड़ा ही ब्यूटिफुल मोजेक पैटर्न बनाता है। ये रेयर है बट ये होता है। करेक्ट है। आई होप दैट दिस इज क्लियर टिल हियर। करेक्ट। लेट्स लुक एट द डायग्राम ऑल्सो। तो लास्ट दोनों के डायग्राम देख लेते हैं। राइट। तो ये है सेल्यूलर। सेल्यूलर में ये ओस्पोर है, ये एम्ब्रियो है, डिविजन हो रहा है और वॉल भी साथ साथ में बन रहा है। देखिए वॉल इज ऑल्सो गेटिंग मेड और फाइनली आपको सेल्यूलर एंडोस्पर्म मिलता है। हेलोबियल, ओके, पहले एक ट्रांसवर्स वॉल बना, बड़ा सेल छोटा सेल, ओके, एंड देन यू हैव द सेल वॉल्स गेटिंग मेड। ठीक है। तो ये जो है ये इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में और इसको कहते हैं हेलोबायल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि तीन डिफरेंट काइंड ऑफ एंडोस्पर्म्स कैसे बनते हैं। राइट। अभी हम एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट को देखते हैं कि जो एम्ब्रियो बनी है जाइगोट से वो कैसे बनती है। राइट। अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, मतलब द मेकिंग ऑफ एन एम्ब्रियो। करेक्ट। एम्ब्रियो डेवलप कहाँ पर होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो सैक के। जो इस चीज को लेकर अब भी कंफ्यूज है मैं बोलूंगी प्लीज डायग्राम देख लीजिए, ओके, और आप फिगर आउट कर लीजिए माइक्रोपाइलर एंड क्या है। ऑलराइट। एम्ब्रियो का ग्रोथ, ऑलराइट, एम्ब्रियो का ग्रोथ क्या ट्रिगर करता है या एम्ब्रियो की ग्रोथ की वजह से क्या होता है। एम्ब्रियो का ग्रोथ सिर्फ तब होता है जब एक पर्टिकुलर अमाउंट एंडोस्पर्म का बन जाता है। देखिए एम्ब्रियो अगर बढ़ता रहेगा लेकिन एंडोस्पर्म नहीं बढ़ा तो बढ़ते हुए एम्ब्रियो को खाना कहाँ से मिलेगा। तो एम्ब्रियो पहले बन गया तो वो वेट नहीं कर सकता कि हाँ मैं पहले बन जाता हूँ फिर एंडोस्पर्म बनेगा, नहीं, पहले एंडोस्पर्म को बनना पड़ता है। एक अमाउंट एंडोस्पर्म का बन जाता है, ठीक है, उसके बाद ही सिर्फ ऑलराइट आपका जो एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट है वो आगे बढ़ता है। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है। जाइगोट पहले डिवाइड होता है दो सेल वाला प्रो एम्ब्रियो बनाने के लिए। तो प्रो एम्ब्रियो फर्स्ट है जिसमें दो सेल्स बनते हैं। करेक्ट है। जो बड़ा वाला सेल है वो माइक्रोपाइल की तरफ होता है, उसको बेसल या सस्पेंशन इनिशियल सेल बोलते हैं, और छोटा वाला सेल चलाजल एंड के यहाँ होता है और इसको टर्मिनल या एम्ब्रियोनल इनिशियल बर बोलते हैं। अब देखिए ये है, ये ओस्पोर है या जाइगोट, ठीक है, दिस इज द जाइगोट। अब जाइगोट में डिविजन हुआ, दो सेल बने, बड़ा वाला सस्पेंसर, छोटा वाला एम्ब्रियोनल इनिशियल। इनिशियल मतलब सबसे पहले बनने वाला, दैट मीन्स सस्पेंसर इनिशियल से सस्पेंसर बनेगा, एम्ब्रियोनल इनिशियल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब जो आपका सस्पेंसर सेल है ना, वो ट्रांसवर्स डिविजन से सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड होते रहेगा, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सेल्स डिवाइड होते रहेंगे और वो बनाएगा एक फिलामेंटस सस्पेंसर जो 6 से लेकर 10 सेल तक होगा। यहाँ पर आपको डिविजन दिख रही है, सी दिस 1, 2, 3, 4, राइट, ये जो पूरा पार्ट है ये होता है सस्पेंसर सेल। सी दिस सस्पेंसर,
करेक्ट? फर्स्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर जो माइक्रोपाइलर सेल के यहां पे होता है वो सूज जाता है और वो बनता है होस्टोरियम। जो लोअर मोस्ट सेल होता है सस्पेंसर का, ओके, उसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस। सस्पेंसर किस चीज में मदद करता है? एम्ब्रियो को नीचे की तरफ न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म के टिश्यू के अंदर वो पुश करने में मदद करता है, सो दैट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के अंदर पुश हो जाए और उसको अच्छे से न्यूट्रिशन सक करने के लिए मिले। एम्ब्रियोनल इनिशियल एक के बाद एक के बाद एक तीन बार ओके माइटोटिक डिविजन जो है वो अंडरगो करता है और 8 सेल या अक्टांट जो है उसको देता है, 8 सेल का गुच्छा। जो डिविजन की प्लेन है वो राइट एंगल्स पे होती है, सो एक डिविजन समझो खड़े हुए पोजीशन में होगा, नेक्स्ट डिवीजन उसके राइट एंगल में, फिर नेक्स्ट डिवीजन सीधे, फिर नेक्स्ट डिवीजन लेटे हुए, सो राइट राइट एंगल्स पे डिवीजन होता रहेगा, ठीक है। और जो लोअर लेयर है 4 सेल के ऑक्टेंट के अंदर, जो लोअर लेयर है 4 सेल के, ये देते हैं हाइपोकोटाइल और रेडिकल, करेक्ट है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको प्लूम्यूल दिख रहा है, कोटिलेडन दिख रहा है, ठीक है, ये सस्पेंसर सेल है, ये रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है, ये कोटिलेडन है, यहां पे आपने हमें डायग्राम दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूं ताकि आपको पूरा एक साथ दिखे, करेक्ट? तो देखिए ए जो है ये है ओस्पोर जो फर्टिलाइज्ड जाइगोट है, बी जो है ये 2 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो है, सो ये बी है, सी। इसमें जो छोटा वाला ई है ये एम्ब्रियोनल इनिशियल है और जो छोटा वाला टी है ये सस्पेंसर इनिशियल है, सो यू कैन सी ये ई और ये टी, बराबर है। अब आता है बी वन, एम है जो एम्ब्रियो सैक है, हाँ, सो वेयर इज एम हियर, एम इज हियर, एम नीचे के इसमें आपको दिखेगा। अब आते हैं बी वन पे, ये जो बी वन है इसमें आपको 4 सेल्ड स्टेज दिख रही है, ई वन, ई टू, एस टू, एस वन और ये एम है, हाँ नीचे, करेक्ट है। तो इसमें 4 सेल है और ये एम्ब्रियो आई के शेप के जैसे दिखता है, कैपिटल आई, हाँ ये देखो आई और ये सेंटर में, करेक्ट है। ई वन और ई टू सेल्स जो है ये एम्ब्रियोनिक इनिशियल सेल से बनता है, तो आप प्रोसेस फॉलो कीजिए यहाँ पे, ठीक है। एम्ब्रियोनल इनिशियल सेल जो है ये ई जो है डिवाइड होता है ट्रांसवर्स, मतलब ऐसे प्लेन ऑफ डिविजन है, लेफ्ट में ई वन राइट में ई टू मिल गया आपको। एस वन एंड एस टू जो है ये सस्पेंसर इनिशियल से मिलता है और इसका प्लेन ऑफ डिविजन कैसे है, ऐसे है, तो ये सेल ऐसे डिवाइड हुआ है सेंटर से, करेक्ट। तो एस वन एस टू, करेक्ट। अब आते हैं सी पे, सी जो है नेक्स्ट डेवलपमेंट है ऑफ द एम्ब्रियो, इसमें कैपिटल एस आपको देता है सस्पेंसर, कैपिटल एस आपको देता है सस्पेंसर, ये है ना। स्मॉल एच आपको देता है हाइपोफाइसिस, सो ये स्मॉल एच जो है यहाँ पे एक सिंगल सा सेल दिख रहा है, ये है हाइपोफाइसिस। और कैपिटल ई देता है आपको एम्ब्रियोनिक मास, मतलब ये जो है ये एम्ब्रियो आपको देने वाला है। अब आ जाते हैं डी वाले डायग्राम पे, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है आपके ओव्यूल को, ओव्यूल को ऊपर से लेके नीचे तक काट दिया गया है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, देखिए ये है एम्ब्रियो ई एच एस, ये दिख रहा है ई एच एस, इसी को इन्होंने यहाँ पे शॉर्टन करके पूरे ओव्यूल के अंदर दिखा दिया है। तो जो ई है ये एंडोस्पर्म है जो फ्री न्यूक्लियर स्टेज में है, ए जो है ये है एंटीपोडल टिश्यू, दिस इज एंटीपोडल, दिस वन, करेक्ट। एम्ब्रियो इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ये वाला पूरा ये आपको प्लांट देने जा रहा है, करेक्ट। ई एम्ब्रियो शोइंग फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक ऑक्टांट, अब ये है, करेक्ट है। अब इन्होंने एग्जैक्टली आपको 8 सेल स्टेज नहीं दिखाया है, बट इसमें पहले 8 सेल होगा, फिर उसके बाद 16, फिर बड़ा। और ये एम्ब्रियो जो है ये देखिए इसकी शेप है हार्ट जैसे दिखती है, तो ये फर्स्ट स्टेज है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। जैसे जैसे एम्ब्रियो बढ़ रहा है वो पहले ऐसे दिखेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ना। देन यू हैव एफ विच इज एल एस ऑफ ओव्यूल, अगेन ये एफ है,
LH ऑफ द ओव्यूल। एंडोस्पर्म को कंप्लीटली आप सेल्यूलर होते हुए दिख सकते हैं। ये जी फेज है जहां पे एम्ब्रियो में आपको क्या क्या दिख रहा है। सडनली देखिए कॉटिलिडॉन दिखना शुरू हो गया। कैन यू सी, पहले ये बस मास था, इधर यहाँ पर भी मास है, मास है। ये देखिए ये कॉटिलिडॉन्स बराबर दिखने लग गए, राइट। ये दो कॉटिलिडॉन्स है। हाइपो जो है ये हाइपोकोटाइल है, कॉटिलिडॉन के नीचे का हिस्सा। आर जो है ये है रेडिकल जो आपको रूट देगा। आर सी इज द रूट कैप, ये देखिए ये रूट कैप रीजन, ठीक है। अब एच जो है ये आपको एक कंप्लीट मैच्योर सीड है, ये बीज है। तो अगर आप बीज को लेकर के काटेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सब ऐसे लगता है कि झमेला है, लेकिन अंदर एक पूरा का पूरा प्लांट, छोटा सा बेबी प्लांट को पूरी तरीके से अंदर जो है पैक किया हुआ है। तो इस एच में आता है मैच्योर सीड, प्लूम्यूल। ओके, सो दिस इज द प्लूम्यूल, ये हिस्सा। हाइपोकोटाइल उसके नीचे, रेडिकल यहाँ छुपा हुआ है, रूट कैप यहाँ पे है। ये दोनों कॉटिलिडॉन्स हैं। डायग्राम में देखना बहुत मुश्किल है लेकिन वो अंदर फंसे हुए रहते हैं। एंडोस्पर्म को ऑलमोस्ट कम्प्लीटली सेल ने खा लिया है, मतलब आपका जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है, करेक्ट है, उसने पूरे के पूरे जो एंडोस्पर्म है उसको खत्म कर दिया है, करेक्ट है। तो ये हमने डायग्रामेटिक सिस्टम देख लिया है, करेक्ट। इसके ऊपर का जो पार्ट है इसको हम जरा जल्दी देख लेते हैं। तो कमिंग बैक, ऑक्टेंट हाइपोकोटाइल और रेडिकल देता है। डायग्राम मैंने समझाया, अभी डायग्राम के साथ फॉलो कीजिए। और जो अपर लेयर ऑफ सेल्स हैं ये देते हैं प्लूम्यूल, और या तो एक कॉटिलिडॉन या तो दो। हाइपोफाइसिस और ज्यादा डिवाइड होता है और रेडिकल और रूट कैप रीजन को देता है। आपको है ना कौन सा रीजन क्या दे रहा है वो आपको बिल्कुल परफेक्टली पता होना चाहिए, करेक्ट है। सब्सिक्वेंटली सेल्स जो ऑक्टेंट के अपर लेवल पे है ये कई सारे प्लेन्स में डिवाइड होता है और आपको हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो देता है। ये जो मैं आपको बता रही थी, हार्ट शेप्ड, ओके। सो दिस इज द डिविजन इनटू द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फिर ये दो लैटरल कॉटिलिडॉन्स देता है, नीचे प्लूम्यूल देता है। हाइपोकोटाइल और कॉटिलिडॉन बढ़ते रहते हैं और एम्ब्रियो थोड़ा सा कर्व होता है और हॉर्स के जूते जैसे, हॉर्स शू शेप हो जाता है, करेक्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट डाइकॉट और मोनोकॉट्स में लगभग सिमिलरली चलता है जब तक आठ सेल का स्टेज या ऑक्टेंट स्टेज रीच नहीं होता, उसके बाद फर्क स्टार्ट होता है। मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिंगल कॉटिलिडॉन आता है एंड की पोजिशन में, टर्मिनल में, और प्लूम्यूल साइड में है। सिंगल कॉटिलिडॉन जो है ये एक शील्ड जैसे दिखता है और इसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। यहाँ देखिए मोनोकॉटिलिडॉन है, ये मेज है या जो कॉर्न भुट्टा उसका एक सीड का सेक्शन है। ये जो है ना ये ऐसे देखे, ये बड़ा सा जो है कंपार्टमेंट, ये स्क्यूटेलम है, ओके। ऊपर की तरफ कॉलियोप्टाइल प्लूम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल, और रेडिकल के ऊपर कवरिंग कॉलियोराइजा। ये एंडोस्पर्मिक न्यूट्रिटिव टिश्यू है, ओके। ये सीड का कोट है, फ्रूट वॉल, और ये एक स्पेशल प्रोटीन लेयर है जिसको हम कहते हैं एल्यूरॉन, ठीक है। सो प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द प्लूम्यूल कॉलियोप्टाइल है, रेडिकल को प्रोटेक्ट करने वाला लेयर कॉलियोराइजा है, और कम्प्लीटली फाइनली ये सारे इवेंट्स हो जाने के बाद, ओके, चाहे वो मोनो हो या डाइकॉट हो, ओव्यूल जो है ये बनता है बीज और ओवरी बनता है फ्रूट, करेक्ट है। तो ओव्यूल मेक्स द सीड एंड ओवरी मेक्स द फ्रूट, चाहे वो आपका मोनोकॉटिलिडॉनस प्लांट हो या डाइकॉटिलिडॉनस प्लांट हो, करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को जो है कंप्लीट कर दिया है। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो वेरी केयरफुली क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको सारे स्टेजेस पता होने चाहिए। एक शॉट में नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, वीडियो को बार बार देखिए और रिविजन कीजिए, ओके। प्लीज़ डू नॉट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट आपको आगे की नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स एंड कीप स्टडिंग।